नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं मैं भारत न्यूज़। जान चुवालते हैं ताज़ा खबरों को फटाफट अंदाज में। गोंडा के छापिया इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दलाल जोत गांव में चीता देखे जाने की खबर सुनाई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में शराबी पति ने पत्नी की ईटी से कूचकर हत्या कर दी। वहीं वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली, जिसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड, परिवहन शाखा, स्टोर, मेस, बैरक समेत कई जगहों का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। फरुखाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका से बीजेपी ने रानी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। वहीं खबर ये है कि शिकोहाबाद नगर पालिका से 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद रानी गुप्ता की जीत का रास्ता साफ हो गया है। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक ने नगर निकाय के चुनाव को देखते हुए हरगांव थाना का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही, साथ ही अराजक तत्वों पर कार्रवाई की बात कही। फरुखाबाद में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में फतेहगढ़ पुलिस ने मॉक ड्रिल की, जहां उन्होंने किसी भी परिस्थितियों से निपटने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के तरीके सिखाए गए, जिसके बाद पुलिस फोर्स ने शहर के मुख्य मार्ग पर पैदल मार्च किया। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संघ की ओर से निशुल्क भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 250 से ज्यादा मरीजों और तीमारदारों को वितरण किया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन और जरूरतमंदों को भी खाना बांटा गया। फिरोजाबाद के टूंडला हाईवे पर एक पिकअप वाहन पंचर होने के बाद अनियंत्रण होकर पलट गया, जिसमें 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। झांसी में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने की बात कही, साथ ही कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग पूरी तरह से तैयार है। फिरोजाबाद के आइडियल पब्लिक स्कूल में एनीमिया मुक्त भारत हीमोग्लोबिन निशुल्क जांच कैंप का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को टेस्ट किया गया और टैबलेट बांटी गई, साथ ही छात्र छात्राओं को शरीर के बारे में जरूरी जानकारी भी दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही, आप देखते रहें माय भारत न्यूज़। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।